Hello everyone, Ishita this side from your PD Education. Many of you might be preparing for NIC Scientific B videos. जो NIC की shortlisting है वो आई है और बहुत से candidates उसमें shortlist हुए हैं and they are preparing for the interviews now. जब भी interview की बात होती है तो हमें पता है HR की जो weightage होती है वो बहुत important होती है. बहुत different type के HR questions पूछे जाते हैं बट कई ऐसे एच आर क्वेश्चन होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं आज तक NIC से. हमारे ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं जो NIC का इंटरव्यू दे चुके हैं उनसे जो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं या हमने कई सोर्सेज से कलेक्ट करे हैं लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ. जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनमें से मेजॉरिटी जो कैंडिडेट्स हैं दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड दे आर फ्रॉम CS एंड EC बैकग्राउंड. तो उनके लिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है कि अगर आप में से बहुत वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो बहुत लोग मेजॉरिटी ऑफ लाइक पीपल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो उनको ये बात ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाएगा कि आप अभी जिस लाइक जॉब में काम कर रहे हो, जिस प्रोफाइल में आप काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, उसमें जो आपका पैकेज होगा दैट इज़ समवेयर हाई. प्रोबेबिलिटी है कि आप में से जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से कई जो कैंडिडेट्स हैं उनका करंट पैकेज ज़्यादा भी हो सकता है टू व्हाट दे विल गेट इन NIC और बराबर भी हो सकता है या कम भी हो सकता है. तो चांसेस प्रोबेबिलिटी सबकी है लेकिन जिन कैंडिडेट्स का पैकेज अभी करंट पैकेज हाई है फ्रॉम व्हाट दे विल गेट इन टू NIC उनके लिए क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाएगा व्हाई यू वॉन्ट टू शिफ्ट फ्रॉम योर करंट जॉब. अगर मैं इसका आपको आंसर बताऊं तो ऑलरेडी हमारा लाइक हमारी एक स्टूडेंट थी अर्पिता, लास्ट ईयर व्हेन शी वाज लाइक शी प्रिपेयर्ड फॉर दिस इंटरव्यू उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था बिकॉज शी वाज वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड उनकी जो करंट सैलरी थी वो बहुत ज़्यादा थी टू व्हाट शी वाज गेटिंग इन NIC. तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप जो करंट सैलरी पे वर्क कर रहे हो आप क्यों शिफ्ट करना चाहते हो उससे NIC में. तो उस आंसर के लिए तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप यूज़ कर सकते हो वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूँगी. थोड़ा सा हम NIC की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी देख लेते हैं. NIC हैज़ बीन कॉन्टीन्यूसली वर्किंग टुवर्ड्स अ मीनिंगफुल यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन गवर्नमेंट अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. जो NIC है दैट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद गवर्नमेंट. तो आपको ये अच्छी नॉलेज होनी चाहिए NIC के बारे में, इनकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में. अच्छे से अगर नॉलेज रखोगे तो आंसर्स फ्रेम करना बहुत ईजी हो जाता है. तो इस आंसर के लिए जो भी क्वेश्चन है दैट व्हाई यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम योर करंट जॉब, उसके आंसर में हम तीन पॉइंट्स मेजरली जो यूज़ कर सकते हैं. उसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि NIC का जो जॉब प्रोफाइल है दैट विल हेल्प यू टू यूज़ योर टेक्निकल स्किल्स एज वेल एज योर नॉलेज फॉर क्रिएटिंग द एप्लीकेशन दैट विल बी डायरेक्टली यूज फॉर द पब्लिक सर्विसेज. पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये है NIC इज वर्किंग ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजी टर्म्स, जिसमें अगर हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो बहुत एक्टिवली NIC वर्क करता है ऑन दिस न्यूमेरस कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़, जिसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है फॉर योर फ्यूचर. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है हमारी प्रेस्टीज एंड जॉब सेटिस्फेक्शन. जो अगर हम NIC में जॉब सेटिस्फेक्शन और प्रेस्टीज हमें मिलेगी दैट इज़ that we cannot compare with the current organization या किसी भी organization से because that is totally different. Because directly जो हमारा NIC है that is working for public service and nation, तो उसमें जो हमारी job satisfaction होगी that will be at priority. वो हमें और किसी भी organization में नहीं मिलेगी. So these were the three important points जो आप use कर सकते हो इस answer में and आप definitely थोड़ा mold कर सकते हो, अपने भी subjective thoughts रख सकते हो इसमें and you can prepare well for this क्वेश्चन. अगर आपको ऐसे और HR questions के लिए प्रिपेयर करना है एंड इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है सो योर PD एजुकेशन के जो मेंटर्स हैं दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू. आप हमारे साथ HR स्नैप लगाओ, मॉक इंटरव्यूज लगाओ सो दैट आपको बेस्ट नॉलेज मिल जाए कि आप कौन से आंसर्स को कैसे फ्रेम कर सकते हो. वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. बाकी ऐसे क्वेश्चंस मैं और आपके साथ वीडियोस में डिस्कस करूंगी. मेक श्योर आप अच्छे से HR questions की प्रैक्टिस करो. थैंक यू सो मच.